सुना था अगर कोई लड़का किसी लड़की से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है तो वो लड़की मगरूर हो जाती है। और शबरीज की मोहब्बत ने हमें ये भी दिखा दिया। तुम वो मगरूर लड़की बन चुकी हो जिसे अपने आगे सब हकीर लगना शुरू हो गए, यहाँ तक के शबरीज भी। आर्या, गौर से देखो इसे। ये वही है जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर किसी की भी जान लेने पर आ जाता था, और आज तुम सबके सामने से जली कटी बातें सुना रही हो। ये तुम्हारी इंसल्ट सह रहा है तो कोई तो वजह होगी ना इसके पीछे। और मोहब्बत से बढ़कर क्या वजह हो सकती है? ये आज भी तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है और तुम किन हवाओं में उड़ रही हो? बोलो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम समझते क्या हो खुद? क्यों मुसलसल शबरीज को निशाना बना रही हो? आर्या, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम चुप हो, जब ही तो ये इतना बोलना शुरू हो गई है। पागल हो गई है ये, इसका जब दिल चाहता है तुम्हें जलील कर देती है। और आज फिर आखिर जुर्म क्या है इसका? यही कि वो तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। तुम्हें उसकी मोहब्बत की कदर नहीं है, लेकिन तुम जानती है क्या उसके बारे में? यही कि इसने तुम्हारी शादी खराब कर दी, तुम्हारे दूल्हे को किडनैप करके तुम्हारी बारात नहीं लाने दी और तुम्हारी उस्मान से शादी हो गई। महर, ध्यान से मेरी बात सुन। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, शबरीज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और ये कोमा में चला गया। डॉक्टर्स तो श्योर भी नहीं थे कि इसे होश आएगा या नहीं, लेकिन जिस दिन शबरीज को होश आया, उसने सीधा तुम्हें पुकारा और तुम्हारी तरफ भागा था। तुम तो शादी करके चली गई थी, पलट कर देखा भी नहीं कि ये जी रहा है या मर गया। मोहब्बत का दावा तो तुम दोनों ने किया था ना, लेकिन अफसोस निभाया सिर्फ शबरीज ने, जो तुम्हारी तलाक का सुनकर अपनी शादी छोड़ के तुमसे निकाह करने भागा था। इसकी फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या रिएक्शन देगी, स्टेटस, इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसने फैसला किया और तुमसे निकाह कर लिया। और अगर इसने उस्मान को किडनैप किया था तो ये एलेना से शादी क्यों कर रहा था, कभी सोचा है तुमने? फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है महर, यही सच है। हाँ महर, ये सच कह रही है।